Good morning. Today we are going to start your sum number 6th of exercise 20.3. Now, firstly, read the statement. The longer side of a parallelogram is 54 cm and the corresponding altitude is 16 cm. If the altitude corresponding to the shorter size is 24 cm, then find the length of the shorter side. फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने कुछ नहीं दिया जस्ट सिंपल वर्डिंग में दिया है कि लॉन्गर साइड जो पैलोग्राम की लॉन्गर साइड है वो कितनी है फिफ्टी फोर सेंटीमीटर उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड है वो कितना है सिक्सटीन सेंटीमीटर देन उन्होंने कहा इफ़ द एल्टीट्यूड कॉरस्पॉन्डिंग टू शार्टर अगर एल्टीट्यूड कॉरस्पॉन्डिंग टू शॉटर साइड इज़ ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर है देन फाइंड द लेंथ ऑफ द शॉर्टर साइज साइड पहले आप देखो ये क्या है एक मेरे पास एक पैलोग्राम ठीक है ये पैलोग्राम है आपको पता है पैरोग्राम के ये जो साइड्स होती हैं स्लैंटिंग जो साइड्स हैं ये क्या है शॉर्टर्स होती हैं और ये जो नीचे वाली हैं ये क्या है लॉन्गर अगर उन्होंने बोला था कि लॉन्गर साइड पैलोग्राम की कितनी है फिफ्टी फ़ोर ठीक है इस पैरोग्राम को मैंने नेम दे दिया ए बी सी डी सो अकॉर्डिंग टू दी स्टेटमेंट इसकी लॉन्गर साइड क्या है ए बी है वो कितनी है फिफ्टी फोर सेंटीमीटर और इसके जो कारस्पॉन्डिंग जो एल्टीट्यूड बनता गया है बन रहा है डी ई e, वो कितना है सिक्सटीन सेंटीमीटर अब इसकी शॉर्टर साइड कौन सी है ये वाली इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो उन्होंने एल्टीट्यूड बनाया है डी एफ वो कितना है वो उन्होंने बोला था कि ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर है और मैंने क्या फ़ाइंड आउट करनी है कि इसकी बी सी की बी सी क्या है इसमें शॉर्टर साइड इसकी मैंने लेंथ फाइंड आउट करनी है सेम जैसे पिछले सम में किया था वैसे ही होगा बट अब पिछले में डी एल एक नेम दिया हुआ था अब मतलब फार्मूला सेम रहेगा उसी तरह से निकलेगा बट अब क्या है लेंथ कोई और हो जाएगी ठीक -E -E है डी ई क्या है जब डी ई परपेंडिकुलर है ए बी पे देन ए बी क्या है बेस एंड एल्टीट्यूड क्या है डी ई तो हम एरिया ऑफ पैरोग्राम का, का फार्मूला लगाएंगे अगर उसके उस पैरोग्राम का एरिया निकालेंगे तो फार्मूला क्या लगेगा बेस इंटू एल्टीट्यूड तो बेस क्या है ए बी एंड एल्टीट्यूड क्या है डी ई -E. इसका एग्जैक्ट तो यही होता ना बेस इन एल्टीट्यूड तो बेस क्या है जब हम डी ई -E पर पेंडिकुलर कंसीडर कर रहे हैं कि डी ई -E पर पेंडिकुलर कंसीडर कर रहे हैं उसमें तब बेस क्या है ए बी और एल्टीट्यूड क्या है डी ई वैल्यूज फिल कर दी उसकी ए बी की कितनी है फिफ्टी फोर डी ई की सिक्सटीन साथ में सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्या आ गया फिफ्टीन मल्टीप्लाई सिक्सटीन सेंटीमीटर स्क्वायर जब मैंने इफ़ अगर मैं ले रही हूँ कि डी एफ पर पेंडिकुलर है किस पे बी सी पे तो बी सी क्या हो जाएगा बेस वो मैंने निकालना है बी निकालना है इट मीनस क्या निकालना है बेस निकालना है उस पर का ठीक है तो एल्टीट्यूड क्या है उसमें डी एफ वो कितना है ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर जब डी एफ कंसिडर कर रहे हैं परपेंडिकुलर तब उस का जब हम उस पैरलोग्राम का एरिया निकालेंगे तो क्या आ जाएगा तब बेस क्या आएगा उसमें बेस क्या आएगा, क्या आएगा? E -C. क्या आएगा? बी सी एंड एल्टीट्यूड क्या आएगा डी एफ बी सी मल्टीप्लाई डी एफ बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड बेस क्या आएगा अब जब हमने डी एफ कंसिडर किया है एल्टीट्यूड में उस तो उस पैलोग्राम का बेस क्या आएगा बी सी एंड एल्टीट्यूड क्या आएगा डी एफ बेस कितना है बेस हमें पता ही नहीं है बी सी की वैल्यू हमने निकालनी है वो एज इट इज़ रह गई और एल्टीट्यूड डी एफ था डी एफ की कितनी थी ट्वेंटी फोर वे मैंने फिल कर ली अब है तो ये भी एरिया ऑफ पैलोग्राम और ये भी एरिया ऑफ पैलोग्राम का ही है उसी पैलोग्राम का ही है बस वो जस्ट अपर पेंडिकुलर एक इधर को बना दिया एक लॉन्गर साइड की तरफ बना लिया एक परपेंडिकुलर उस शॉर्टर साइड के और कंसीडर करके एरिया निकाला है बट है तो इसी पैरोग्राम के एरिए दोनों तो मैं इन दोनों को इक्वल लिख कर बी सी की वैल्यू निकाल सकती हूँ फिर देन नेक्स्ट स्टेप टेक अ बोथ इक्वल ठीक है एरिया ऑफ पैरोोग्राम जो पहले निकाला है उसको वन नेम दे दो जो बाद में का उसको टू दे दो देन फ्रॉम वन एंड टू बोथ आर एरिया ऑफ पैरोोग्राम देन टेका वैल्यू इक्वल टू ईच उधर अगर इक्वल लिखोगे तो क्या आएगा फिफ्टी फोर मल्टीप्लाई सिक्सटीन मल्टीप्लाई इक्वल टू बी सी मल्टीप्लाई ट्वेंटी फोर ठीक है अब बी सी चाहिए तो ए, ये उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा इसी तरह से अब देखो नेक्स्ट अब कटिंग कैसे करोगे फोर के टेबल पे हो जाएगी ठीक है फोर फोर सिक्स या ट्वेंटी फोर 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 या सिक्सटीन नेक्स्ट सिक्स वन या सिक्स सिक्स नाइन या फिफ्टी फोर क्या रह गया ऊपर नाइन मल्टीप्लाई फोर रह गया नाइन मल्टीप्लाई फोर क्यों कितना आ गया थर्टी सिक्स और क्या था यूनिट किस में थे सेंटीमीटर में ठीक है तो क्या कितने आ जाएंगे सेंटीमीटर सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा थर्टी सिक्स सेंटीमीटर बी सी कितना आ गया मेरे पास थर्टी सिक्स सेंटीमीटर मेरे पास बी सी आ गया अब देखो बेटा जो सम नंबर सिक्सथ मैंने किया सिमिलरली आपके पास जो है सम नंबर नाइन्थ है एडजेंट साइड्स मीन एक लॉन्गर साइड जो है वो टेन मीटर है और जो शॉर्टर साइड है उसमें एट है उसके एंड द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गर साइड इज़ फोर ये मैं आपको ड्रा करके बता दूंगी लेकिन आप सम खुद सॉल्व करोगे ये सिमिलरली जैसे मैंने अभी सिक्स किया वैसे ही सारे का सारा सॉल्व आउट होगा अब देखो आप नेक्स्ट सम नंबर सेवन नेक्स्ट आप देखो सम नंबर सेवन इन फिगर ट्वेंटी वन ए बी सी डी एक पैरोग्राम है डी एल पर पेंडिकुलर है ए बी पे ए बी कितना है ट्वेंटी सेंटीमीटर ठीक है ए डी कितनी है थर्टीन सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ द पैरोग्राम कितना है हंड्रेड सेंटीमीटर्स की जस्ट गिव मी आ वन मिनट नाउ लुक ये मेरे पास क्या है एक यहाँ पे पैरोोग्राम है यहाँ से क्या है एक ये क्या है डी सी ए बी जो ए बी पूरी है वो कितनी है ट्वेंटी ए डी कितनी है थर्टीन ठीक है इस पैरलोग्राम में और मैंने निकालना क्या है ये वाली साइड डी एल डी एल निकालनी है मैंने सीधा ही एरिया ऑफ पैरलोग्राम उन्होंने हमें गिवन दिया हुआ है कितना हंड्रेड सेंटीमीटर डी एल नहीं निकालनी उन्होंने हमने निकालनी ये वाली साइड है एल फर्स्टली पहले तो एरिया ऑफ पैरोग्राम का फार्मूला यूज़ करेंगे ए बी जब डी एल परपेंडिकुलर तो ए बी क्या है बेस एंड डी एल क्या है इसमें एल्टीट्यूड एरिया ऑफ पैरोग्राम कितना है हंड्रेड सेंटीमीटर स्केयर अदरवाइज एरिया ऑफ़ पैरोग्राम का फार्मूला क्या होता है बेस इन एल्टीट्यूड ये भी एरिया ऑफ पैरोग्राम का फार्मूला है और ये हंड्रेड जो है ये भी एरिया ऑफ पेलोग्राम की वैल्यू है दोनों एरिया ऑफ पैरोग्राम है इक्वल लिख लिए है. बेस इनटू मल एल्टीट्यूड इक्वल टू हंड्रेड सेंटीमीटर स्क्र बेस क्या है इसका कितना है ट्वेंटी एल्टीट्यूड डी एल है वो हमने निकालना है एल्टीट्यूड क्या है इसमें डी एल वो हमने निकालना है ठीक है नेक्स्ट में क्या है डी एल के साथ यहाँ पे मैंने लिख दिया कि डी एल्टीट्यूड किसको कह रहे हैं डी एल को ट्वेंटी उधर जाके डिवाइड हो गया डिवाइड हुआ तो जीरो के साथ जीरो कट डाउन हो गए टू वन या टू टू फाइव फाइव टेन कितना आ गया एल्टीट्यूड फाइव सेंटीमीटर इट मीनस ये मेरे पास कितनी आ गई फाइव सेंटीमीटर अब देखो मैंने निकालनी क्या है ए एल ठीक है तो अब ये एक नाइन्टी डिग्री का एंगल बना रहा है तो ये है क्या एक अगर ये नाइन्टी डिग्री का है तो ये इतनी इसमें से एल अगर मैंने ए एल निकालनी है तो ये एक क्या बन रही है राइट एंगल ट्राई एंगल है डी ए एल एक राइट एंगल ट्राइंगल है उस राइट एंगल ट्राइंगल में ये क्या है परपेंडिकुलर ये क्या है हाई ये क्या है बेस और मैंने ए एल जो है अकॉर्डिंग टू राइट एंगल ट्राइ A ए एल क्या है बेस ठीक है अब जब भी हाई राइट एंगल ट्राइ है ये एक तो अगर राइट एंगल ट्राइंगल की कोई भी साइड मिसिंग हो तो क्या फार्मूला लगा के निकालते हैं पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हम उस राइट एंगल की कोई भी साइड की लेंथ जो मेजरमेंट मिसिंग है वो निकाल सकते हैं ये हमने पिछली एक्सरसाइज में किया था ठीक है नेक्स्ट देखो कि आपको मैंने बता दिया कि ये क्या है मैंने ए एल निकालनी है तो ये क्या बन रही है एक राइट एंगल ट्राइ एंगल राइट एंगल ट्राइ एंगल ए डी एल ए डी एल इसमें ए डी क्या है हाई ए एल क्या है बेस और डी एल क्या है परपेंडिकुलर डी एल कितना निकला फाइव सेंटीमीटर ए डी हाई जो है वो कितना है थर्टीन और ए एल जो बेस है वो मैंने निकालना है एग्जैक्ट क्वेश्चन की डिमांड भी यही है कि एल निकालो तो अब एक राइट एंगल ट्राई की जब राइट एंगल ट्राई की जब कोई भी साइड मिसिंग हो तो कौन सा फार्मूला लगता है पाइथागोरस पाइथागोरस्थियोरम पाइथागोरस्थियोरम मीन्स हाई पोर्टीन्यूस स्केयर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्केयर प्लस बेस स्केयर चाहे बेस पहले लिख लो चाहे परपेंडिकुलर वो मैटर नहीं करता ठीक है आप यहां पे बेस ही लिख लो बेस स्केर प्लस परपेंडिकुलर स्केयर हाई क्या है इस राइट राइटल में क्या है एडी हाई पोटिन्यूज है तो क्या आ जाएगा ए डी का ए डी स्केयर बेस क्या है ए एल ए एल का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर क्या है डी एल का स्केयर अब ए डी कितना है थर्टीन स्केयर ठीक है वैल्यूज फिल करती डीएल कितना है फाइव का स्केयर और ए एल तो हमने फाइंड आउट करना है थर्टीन स्केयर मीन्स थर्टीन स्केयर का क्या आ जाएगा थर्टीन स्केयर का मतलब क्या होता है थर्टीन मल्टीप्लाई थर्टीन टू टाइम मल्टीप्लाई कितना आ गया वन हंड्रेड सिक्सटी नाइन फाइव स्केयर अब जो क्योंकि अब ये तो ओपन होगा नहीं और कोई फ़ायदा भी नहीं है ओपन करने का तो फाइव स्केयर का क्या आएगा फाइव मल्टीप्लाई फाइव ट्वेंटी फाइव ए एल हमने निकालना है तो डेफिनेटली है कि अब जो न्यूमेरिकल डिजिट है वो एक साइड सॉल्व आउट होंगे तभी ए एल की फाइव एल फाइंड आउट होगी ट्वेंटी फाइव उधर चला जाएगा क्या हो जाएगा माइनस ट्वेंटी फाइव इधर प्लस का है उधर जाएगा माइनस हो गया माइनस हो गया तो इसमें अगर इसे अब अब मैं ऐसे भी लिख लूँ डज़ नॉट मैटर ए एल स्केयर इज़ इक्वल टू वन हंड्रेड सिक्सटी नाइन माइनस ट्वेंटी फ़ाइव और अगर ऐसे नहीं भी लिख कर सीधा ही ऐसे लिख देती हूँ कि इसमें से माइनस होके कितना आ जाएगा वन हंड्रेड फोर्टी फोर इज़ इक्वल टू ए एल स्केयर ठीक है वन हंड्रेड सिक्सटी नाइन से माइनस किया क्योंकि अगर इस चीज़ को इस तरह से लिख लूँ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता इस ऐसे तो रहने दो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये चीज़ इसके इक्वल है तो ये अगर ये इसके इक्वल है इट मीन्स ये माइनस हो गया कितना आ गया वन हंड्रेड फोर्टी फोर इक्वल टू तो ए एल स्केयर है और इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ क्योंकि इक्वल है तो इसे चाहे इधर लिख लो चाहे उधर लिख लो डज़ नॉट मैटर तो, तो, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ गया ए एल स्केयर इज इक्वल टू तो वन हंड्रेड फोर्टी फ़ोर अब वन हंड्रेड फोर्टी फ़ोर का जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म वो क्या किसकी है ट्वेल्व की स्केयर ट्वेल्व को टू टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है वन हंड्रेड फोर्टी फोर तो वन हंड्रेड फोर्टी फोर का एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है ट्वेल्व स्केयर इसकी जगह पे क्या आ गया ट्वेल्व स्केर स्केयर स्केयर आपस में कैंसिल आउट हो गए तो कह रहा है क्या क्या ए एल इज इक्वल टू ट्वेल्व और जो किस में वैल्यू किस में थी सेंटीमीटर में तो एल भी क्या आ गया ट्वेल्व सेंटीमीटर हैंस लेंथ ऑफ ए एल कितनी आ गई मेरे पास ट्वेल्व सेंटीमीटर ठीक है क्लियर इस ये वाली फिगर बनी थी इस फिगर में हमने ए एल निकालना था एल निकाल तभी निकलता राइट एंगल ड्राइ एंगल क्योंकि ये एक परपेंडिकुलर है परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री का एंगल बन गया 90 डिग्री का एंगल बन गया तो ये क्या बन गया एक राइट एंगल ड्राइ एंगल अब ए एल तभी निकलता जब मुझे ये वैल्यू पता होती थी तो ठीक है राइट एंगल ड्राइ एंगल पाइथेगोर स्थुरम से और ये वैल्यू निकालने के लिए पहले मैंने एरिया ऑफ पैरोग्राम निकाला एरिया ऑफ पैलोग्राम से एल्टीट्यूड निकाला एल्टीट्यूड के बाद पाइथागोरस थ्योरम से एल की वैल्यू ओके बेटा नाउ डन इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द नेक्स्ट थ्री सम्स एट नाइन एंड टेन सो ओके बेटा प्लीज़ नोट डाउन ऑन योर नोटबुक थैंक यू हैव अ नाइस डे बेटा